घर की चाबी घर में रह गई और घर वाले बाहर अटक गए। एक अनहोनी होते होते रह गई और रिश्ते थोड़े भटक गए। लॉक को बचाने के चक्कर में कितना बड़ा हादसा होता था पता है आपको? ऐसा कैसा सुझाव दे सकते हैं आप इसे? ये नादान है, ये बच्चा है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना। आइए देखते हैं कैसे। वंदु, कल है ना 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो 6 बजे का अलार्म लगाऊं या 5:30 का? 6 बजे का ठीक रहेगा ना? हाँ। एक मिनट, हाँ बोल के कहाँ निकल रही हो? 6 बजे का अलार्म, तो भागम भाग नहीं होगी मेरी सुबह सुबह? 5:30 का ओके है? हाँ ओके। दोनों के लिए तुम ओके हाँ बोल रही हो। 5:30 का अलार्म लगा कर मैं क्या करूंगा, मतलब इतनी जल्दी उठकर क्या करूंगा मैं? तैयार होने में कितना टाइम लगता है? 1/2 घंटा, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा। तो मुझे लगता है कि क्या कर रही हो ये? उंगली खींचो ताकि फटाफट डिसीजन हो। 6 बजे का अलार्म लगा लो। ओके ओके। अरे 6 बजे बहुत भागम भाग होगी, 5:30 का ही ठीक है। हाँ ठीक है, 5:30 का लगा लो। अरे क्या हुआ मम्मी? वो क्या है ना, मैं नीचे गई थी ना गार्डन में घूमने के लिए, मतलब वॉक के लिए। तो क्या जोशीपुरा ने ऐसे तो नहीं कहा कि रात के 10:30 बजे साईं दर्शन हाइट्स? अरे नहीं नहीं, जोशीपुरा तो मेरे सामने मुंह ही नहीं खोलता। मेरे घर की चाबी शायद मैं अंदर भूल गई हूँ। तेरे पापा ना आज जल्दी सो गए, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तेरे पास स्पेयर चाबी है ना मेरी? देखो। गुड नाइट। गुड नाइट। चाबी? चाबी कहाँ है? चाबी तो थी मेरे पास, मैं तो सो रही हूँ। माले चाबी कहाँ गिरा दी मैंने? ओ राजू, क्या हुआ? अब राजू वो चाबी ना शायद गिर गई। हाँ नहीं, मैं ढूंढूंगी ना, मिल जाएगी। पर तेरे पास एक स्पेयर चाबी है ना, और एक देना। मम्मी ऐसे रुको, संभालना कमर पे नहीं लटकाना। नहीं नहीं, और ये आखिरी चाबी है मम्मी। हाँ, बाय। दासानी, इस अचार के कंसाइनमेंट पर फ्रजाइल हैंडल विद केयर के स्टिकर्स लगाए हैं, ये सब कैसे हुआ? सर वो मैं है ना। सर जब ये कंसाइनमेंट आया था तो पूरी तरह से ठीक था। हाँ सर, इनफैक्ट जब ये आया था तब मैंने इसकी फोटो ले ली थी ताकि क्लाइंट को अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास प्रूफ रहे। ये देखिए सर। फोटो नहीं, ये तो पेंटिंग बनाई है। दासानी सच बताइए आप, सच बताइए आपने क्या किया, बिल्कुल सच बताइए। सर ये अचार की बरनी का ढक्कन देख के मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। आपके पिताजी क्या ढक्कन जैसे दिखते थे? नहीं, पर मेरे पिताजी हमेशा मुझे बताते थे क्या कि अचार की बरनी का ढक्कन ऐसे खोलते हैं और ऐसे बंद करते हैं। तो उनको याद करते करते मैंने ये बरनी खोल डाली, पर शायद ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ। तो आपने आपके पिताजी का चेहरा ऐसे ऐसे करके सिर्फ घुमाया या ऐसे अचार थोड़ा रोटी के साथ खा गए? बिल्कुल नहीं सर। हाँ बिल्कुल नहीं खाया रोटी के साथ। थैंक यू। पराठे के साथ खाया। उठिए आप, अभी के अभी मुझे आपका इस्तीफा चाहिए। ओके अभी के अभी, राइट नाउ। डांटो डांटो टिम्बर, डांटते रहो बस। डांटू नहीं तो क्या करूं, एक काम भी ठीक से करता है तू? एक काम तो ढंग से करके दिखा। चल दादा नहीं, एक काम बस, एक काम।
बस वंदना, अरे क्यों डांटती रहती हो बेचारे को? बच्चा ही तो है ना? सिर्फ बच्चा नहीं दादी, हेल्प करने वाला बच्चा। हेल्प करने वाला बच्चा? बताऊ वहाँ क्या हेल्प कर रहा था ये मेरी? घर में मक्खियाँ थी, उनका दी एंड कर रहा था। शाबाश, क्या बात है बेटा। पापा, आपको बताऊं कैसे दी एंड कर रहा था ये मक्खियों का? अपने दूध का ग्लास लेकर मक्खियों के आसपास घुमा रहा था और कह रहा था, ए मक्खी आ मेरे दूध में गिर जा, ए मक्खी आ मेरे दूध में गिर जा, ताकि मक्खी इसके दूध में गिर जाए और इसको दूध ना पीना पड़े। वाह, सीधा फन। पापा, सीधा फन? मतलब आई थिंक ये गलत बात। यू थिंक? गलत बात ही है। अब यू आर राइट। हां वंदना, इधर आ, मैं उसे समझाती हूँ। आई अथर्व, देख आज ना दिन में तुझे एक ऐसा काम करके दिखाना है जिससे कोई नुकसान ना हो बल्कि किसी का फायदा ही हो। सिर्फ एक काम करेगा अपने दादी के लिए, पक्का? चलो गाइस फास्ट, आई नीड दिस बबल रैप। ओके, चलो। हाँ पापा, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करूँ। हाँ, एक छोटी सी बात सुन लेना। सुनना, आज राधिका ने अथर्व को एक काम दिया है और वो जी 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 मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। पापा मेरी बात सुन लेना, मैंने अथर्व आज एक ऐसा काम करने वाला है जिससे किसी की मदद हो, यू नो। गुड गुड, वेरी गुड, गुड। अच्छा सुन पापा, प्लीज मैं थोड़ी देर में करता हूँ फोन आपको। एक छोटा सा बाय बाय बाय। फ्री द फोन? आप अभी भी यही हो? 2 मिनट के अंदर मुझे आपका इस्तीफा मेरे हाथ में चाहिए। इसमें भी क्या चाबी नहीं घर की? तुमने नहीं ली थी? नहीं ली थी मतलब? तुमने कहा था तुमने चाबी ली है। हाँ, लेकिन वो देखो बात को पलटो बात, तुमने साफ साफ कहा था कि मैं चाबी ले रही हूँ। देखो मैंने कहा था कि मैं बैग ले रही हूँ, तुमने तो अपनी मर्जी से समझ लिया कि मैं चाबी ले रही हूँ। तो तुम्हें कहना चाहिए था ना कि मैं बैग ले रही हूँ। अरे जब मैं लेने की बात करती हूँ तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, सांस ले सकती हूँ, अंगड़ाई ले सकती हूँ, उबासी ले सकती हूँ। अंगड़ाई, उबासी, सांस, अरे ये सब कोई बात है? लेने के लिए कोई पूछेगा कि एक्सक्यूज मी मुझे अंगड़ाई लेनी है, सांस लेनी है, उबासी लेनी है? हाउ कम? देखो बहस करनी है ना तो पूरी जिंदगी पर बहस कर सकते हैं। अब बताओ करना क्या है? करना क्या है? दूसरी चाबी राजू के पास पड़ी है, जाके लेके आता हूँ। उसके पास नहीं है। क्या? उसके पास चाबी नहीं है। क्यों? वो चाबी मैं लेके आई थी रात को और कहीं पे गिर गई। और दूसरी स्पेयर चाबी थी वो मैं अंदर भूल आई हूँ। सीधा फन। दादा दादी। अरे दादी, आपको पता है अथर्व को जो आपने कहा था ना कि किसी की हेल्प करनी है, तो वो वही सोच रहा है कि कैसे करे। बिल्कुल काम होके बैठा है वो। अच्छे काम पे लगा दिया आपने उसे। अरे बेटा, तेरी दादी ने तो मुझे काम पे लगा दिया। घर की चाबियां अंदर छोड़ के आई और हम लोग लॉकडाउन बाहर। सी द फन। बी केयरफुल विद ऑल दीस पार्सल्स। हां सर, जाने दीजिए ना। तो जाने ही तो दे रहा हूं मैं परमानेंटली। तेजवानी सर को भी फोन करके बोलने वाला हूँ कि निकाल दिया मैंने दासानी को, आजाद कर दिया इस ऑफिस को इसकी हरकतों से। हाँ राजू बेटा, मैं क्या बोल रहा था? पापा थोड़ा क्राइसिस में हूँ, थोड़ी देर में फोन करूँ? नहीं नहीं सुनो, मैं क्या कह रहा था, आप बता चुके पापा कि आपने अथर्व को कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए कहा है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम जब फ्री हो ना तो बेटा बात करना जरा। जी जी पापा, लव यू, बाय बाय। काफी उलझा हुआ है। हम्म, मैं बता ही नहीं पाया कि अंदर चाबी रह गई है और तुम। अरे बता रहे क्यों उसे, बेकार ही परेशान हो जाएगा ना। सखी गई है ना चाबी वाले को लाने, तो हिम्मत कहीं ताला तोड़ना ना पड़े, ना तुम ये गड़बड़ मचाती ना ये परेशानी होती। देखो अब फिर से उस बात को मत छेड़ो। तो क्या छेड़ रहा हूँ कुछ? रिलैक्स रिलैक्स, मैं लेके आई हूँ चाबी वाले भैया। ये देखो, ये है वो डोर जिसकी चाबी अंदर रह गई है, नई चाबी बन जाएगी ना? तो देखना पड़ेगा चाबी बन सकती है या ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे दादी, ताला नहीं तोड़ना। देखो हम लोग यहाँ रहने आए थे ना, हमारे बेटे ने बहुत स्पेशल लॉक लगवाया है, उसे बुरा लगेगा, किसी भी तरह से ना चाबी बना दो बस। किधर है? इधर है वो? ये इधर है सर। ये कैसे?
तू अंदर आया कैसे? वो भी बिना एंट्री के? सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से हर आने वाले को रजिस्टर में एंट्री करना जरूरी है। दादा दादी परेशान हो रहे थे अंकल, इनकी चाबी रह गई अंदर। बेटा तो इन्हें ऊपर बैठाओ आराम से, अगर कोई परेशानी है। ये थोड़ी ना है कि रूल्स ही तोड़ दो। तूने इन्हें आने क्यों दिया? वो सर इन्होंने कहा कि जल्दी है तो मैंने इन्हें आने दिया। सेक्रेटरी ये है या मैं? तिवारी दो दिन की छुट्टी लेके बदली में तुझे रख के गया और रूल्स नहीं बताए? सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से। ए दक्षिण, रूल मत बता, समझाना? कर देंगे एंट्री बाद में, तू जा यहाँ से। बाद में नहीं मासी, पहले पहले। एक सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सोसाइटी के बायलॉज नंबर 12/5 के अनुसार हर आने वाले विजिटर को वॉचमैन के पास रखे रजिस्टर में एंट्री करना जरूरी है। उसका नाम, उसका पता। तेरा रजिस्टर ना फाड़ दूंगी मैं। बोला ना एंट्री बाद में करूंगी, काम करने दे उसे। राधिका राधिका, ये सेक्रेटरी है, मतलब सेक्शन 2 12/5, रूल्स आर रूल्स एंड फॉलो ना करे थे फोर्स। मैं भी तो यही कह रहा हूँ काका, किसी बाहर वाले का क्या भरोसा? अगर चोरी करके चला जाए तो, या बुजुर्गों का खून करके उन्हें लूट के चला जाए तो। अरे ये क्या बोलते हैं साहब, मैं इधर अपने आप से नहीं आया, ये मैडम लेके आया मेरे को इधर, समझे आप? जुबान लड़ाता है यहाँ के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा से, तू जुबान लड़ाता है? चल निकल। ए दक्षिण, जा यहाँ से। वो नहीं जाएगा यहाँ से, मैंने एक बार बोल दिया ना, तेरी आंखों के सामने रजिस्टर में आकर एंट्री करूंगी मैं। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष। ठीक है चल एंट्री करती हूँ, चल। माफी, अरे व्हाट, रुक सकी, मैं देखती हूँ कोई चौथी चाबी है क्या माँ बाबा के घर की, हो सकता है ना राज ने कहीं रख दी हो। हाँ सखी बेटा एक काम कर, अगर चाबी बनाने वाला आएगा ना तो उसको ताला मत तोड़ने देना, वो स्पेशल लॉक है ना, अगर खराब हो गया तो राज बहुत अपसेट हो जाएगा। मैं ढूंढ रही हूँ, ढूंढते ही मिलते ही बताती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ हाँ। देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, दादा के जो ये फटा जूता था ना, इसे मैंने दूसरे जूते के साथ मैच कर दिया। वेरी गुड, कैसे किया? देखो हाँ। ये है ना, मैंने इसको फाड़ दिया तो अब दादाजी कम से कम नए जूते तो लेंगे, वरना ऐसे बोलते राधिका इसको फिक्स करा लो ना, नए जूते लेने की क्या जरूरत है। ओ गॉड अथर्वा, कैसे समझाऊं तुझे, बाद में समझाऊंगी, अभी कुछ बहुत जरूरी ढूंढना है मुझे। क्या? दादा दादी के घर की चाबी, वो अपनी चाबी अंदर ही भूल गए। सुन तुझे भला काम करना है ना, तो तू ये सोच कि दादा दादी के घर का दरवाजा कैसे खुलवाया जाए, ठीक है? हाँ सखी, वो चाबी बनाने वाले को ताला तोड़ने मत देना, मैं नीचे आ रही हूँ। ओके हाँ। चाबी घर के अंदर है और दादा दादी घर के बाहर, मतलब अगर दरवाजा खुल सकता है तो सिर्फ अंदर से, कोई चाबी भी नहीं है दूसरी। आइडिया, दादा दादी के बगल में वरुण रहता है, अगर मैं उसके बालकनी से पैरापिट पे उतरूं और उसके पैरापिट से दादाजी के पैरापिट पे जंप मारूं और फिर बालकनी पे चढ़ के सीधा अंदर, तो मतलब मैं दरवाजा खोल सकता हूँ और फिर दरवाजा खोल के बोलूंगा दादाजी सरप्राइज दरवाजा खुल गया। अरे भाई क्या टेढ़ी मेढ़ी चाबी लगाकर ट्राई कर रहे हो, मेरे बेटे ने स्पेशल लॉक लगाया है, तोड़ मत देना, खराब मत कर देना भाई। जी क्या हुआ पापा, चाबी बनी? कहाँ बनी, अब से वो ट्राई किए जा रहा है, ट्राई किए जा रहा है, कहता है अगर चाबी नहीं बनी तो लॉक तोड़ना पड़ेगा। ऐसे कैसे तोड़ना पड़ेगा? सखी तू राज को फोन लगाना, हो सकता है उसने कोई स्पेयर की संभाल के रखी हो किसी के घर, करना। दो बार ट्राई किया दादा ने लेकिन डैड बिजी है, बात ही नहीं हो पाई। फर्स्ट स्टैंडर्ड, एक मौका दे दो ना सर, मेरे दोनों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। क्या नौटंकी कर रहे हो दासानी, शादी हुई नहीं है और बच्चों के फ्यूचर का सवाल है? कभी तो होगी ना सर, मैंने दो बच्चों का प्लान किया है, उनकी परवरिश, उनका एजुकेशन, उस सब के लिए अभी से सेविंग कर रहा हूँ। ये नौकरी चली गई तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। सर मैं ले आया वैसा ही सेम अचार का डब्बा। हाँ ये देखिए सर, मैंने अचार का फ्रेश डब्बा भी मंगवा लिया है अपने पैसों से। हाँ सर एक मिनट, पैसे तो मैंने दिए थे।
अभी के लिए दिए हैं, वो वापस लौटा दूंगा। मैं इसके पैसे लौटा दूंगा सर, सिर्फ आप मुझे एक मौका दे दीजिए। एक मौका दे ही दो सर, वैसे भी कुछ दिनों की बात है, अपनी ये कुरियर कंपनी तो बंद होने वाली है। क्लाइंट की कंसाइनमेंट अगर इसी तरह खुलती रही तो हमारी कंपनी तो 100% बंद हो जाएगी। अच्छा मौका चाहिए ना, तो सबसे पहले ईशा के पैसे लौटाओ। चंदू 200 रुपया दे। चलो काम पे लोगो, चलो। बंधु पापा का भी फोन आया था, उनसे भी बात करनी थी। मैं माँ पापा के साथ ही हूँ राज। अच्छा सुनो, वो माँ पापा के घर की कोई और स्पेयर की है क्या? वो गलती से चाबी अंदर ही रह गई है। फिर से मम्मी, फिर से चाबी अंदर भूल गई? काम डाउन ना राज, शांत हो जाओ। कोई स्पेयर की है तो प्लीज बताओ ना। दरवाजा खुल गया। अथर्वा, तूने अंदर से दरवाजा कैसे खोला? देखा दादी, मैंने प्रॉमिस पूरा कर दिया। बिना कोई नुकसान किए कोई अच्छा काम करने के लिए बोला था ना, तो देखो दरवाजा भी खुल गया और ताला भी नहीं तोड़ने दिया। हाँ लेकिन तू अंदर से। आइडिया दादी, आइडिया। वरुण, ये मेरा फ्रेंड है ना वरुण, ये 201 में रहता है, तो मैं इसके बालकनी से इसके पैरापिट पे, फिर वहां से जंप करके आपके पैरापिट पे, फिर बालकनी से जंप करके सीधा खिड़की से घर के अंदर। वेरी सिंपल। हेलो बंधु, बंधु मतलब क्या इसका? नहीं मैं आ रहा हूं, मैं अभी घर आ रहा हूं। लॉक को बचाने के चक्कर में अगर अथर्व का पांव फिसल जाता तो कितना बड़ा हादसा होता था पता है आपको? आज एक्चुअली क्या, एक्चुअली ऐसा कैसा सुझाव दे सकते हैं आप इसे? ये नादा नहीं, ये बच्चा है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना। बस राज, स्टॉप इट, इनफ इज इनफ। बिना पूरी बात जाने क्यों बरस रहे हो माँ पापा पे? वंदना, इन्होंने इन्होंने नहीं कहा था अथर्वा से कुछ। माँ बाप है ना ये, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने वाले लोग। यू ओनली से दैट राइट? और ये अथर्वा से कहेंगे कि बेटा एक काम कर, तू पड़ोसी के घर में जा, उसकी खिड़की से उसके पैरापेट पे उतर, वहां से हमारे पैरापेट पे कूद, हमारे घर की खिड़की से अंदर घुस और दरवाजा खोल दे, क्योंकि हमको दरवाजे का लॉक नहीं तोड़ना। जाने दो वंदना बेटा, जाने दो। मैंने तो किसी का फायदा हो ऐसा काम करने का सुझाव दिया था अथर्वा को, अब उसी ने गलत समझ लिया। माँ मैंने तो अंडरलाइन करके कहा था कि अथर्वा अगर किसी का फायदा करना है बेटा तो ये सोच कि माँ पापा के घर का दरवाजा कैसे खोल सकते हैं। मुझे क्या पता था ये इडियट ऐसी हरकत करेगा। सॉरी मम्मा, सॉरी डैडी, I made a big mistake. कसम खाओ कि कभी भी आइंदा ऐसा वाहियात डेयर डेविल स्टंट तुम नहीं करोगे। कसम खाओ। Yes, Daddy. खाओ कसम। I promise. मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। Sorry. अब सॉरी बोल रहा है ना, माफ कर दो बेटा उसे, बोल दिया ना सॉरी। राधिका, अथर्वा ने अपनी गलती कबूल कर ली ना, और मैं भी अपनी गलती कबूल करता हूँ, है ना? और आइंदा राधिका चाबी इस तरह से कभी मत छोड़ देना, ठीक है? हाँ। अब चलो चलो राधिका, चलो मुझे दादर फोन करना है, आओ। एक मिनट रुकिए आप। कैसे कैसे जा सकते हैं आप? मैंने तो इसे माफ कर दिया, क्या आप लोग मुझे माफ नहीं करोगे? आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी पापा। नहीं कोई बात नहीं राजू, ठीक है? नहीं नहीं ठीक नहीं है। मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप ऐसा सुझाव दे सकते हो अथर्व को?
वंदना सही कह रही थी, माँ बाप आखिर माँ बाप होते, वो ये चलिए उंगली खींचिए, क्यों खींचिए तो सही, पकड़ो ओके बंधु केसर पिस्ता ओके हाँ राधिका केसर पिस्ता आइसक्रीम वाली उंगली खींची तुमने, तुम्हें काजू किशमिश वाली उंगली खींचनी चाहिए थी ना, काजू किशमिश ना, ठीक है पापा अब आप खींचिए एक मिनट, काजू किशमिश ये काजू किशमिश, वंदना केसर पिस्ता आइसक्रीम ये बदमाश समझदारी की चाबी ने खोल डाला गलत फहमी का ताला, खामखा राजेश ने अथर्व का गुस्सा बेचारे माँ बाप पर निकाला। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.